नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जो साइंस का ब्लूप्रिंट है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि आपकी जो साइंस है उसमें किस तरह के क्वेश्चन हैं जो ये आने वाले हैं और कितने क्वेश्चन आएंगे और जो आपकी किताब की पार्ट है उनमें से किस पार्ट में से कितने क्वेश्चन और कितने नंबर का और किस टाइप का आने वाला है, ये सारी बातें जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है प्रश्नों के प्रकारवार जो है हम अंकवार देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन कितना आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की बात करेंगे यानी कि एमसीक्यू की। तो ये जो है आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पर क्वेश्चन जो है एक नंबर का रहेगा, यानी कि 15 नंबर के जो है एमसीक्यू आपसे जो है पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है रिक्त स्थान की बात करेंगे, तो रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन है वो आपसे 7 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे और पर क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। इस तरह से ये 7 नंबर के क्वेश्चन जो है आपसे रिक्त स्थान के पूछे जाएंगे। इसके बाद अति लघुरात्मक की बात करें तो ये जो है आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पर क्वेश्चन जो है एक नंबर का रहेगा। इस तरह से ये 10 नंबर के जो है आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद लघुरात्मक जो क्वेश्चन है यानी कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये आपसे 12 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। इस तरह से ये 24 नंबर के जो है क्वेश्चन आपके रहेंगे। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय की बात करेंगे जो कि 3 नंबर का होता है, तो ये आपके 4 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे यानी कि 12 नंबर के दीर्घ उत्तरीय जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद निबंधात्मक की बात करें तो निबंधात्मक क्वेश्चन जो है आपसे 3 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे और पर क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। इस तरह से 12 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरह से टोटल आपका 80 नंबर का पेपर होगा और इसमें जो है 51 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इसका जो टाइम है 195 मिनट यानी कि 3.25 घंटे का जो है इसमें टाइम रहेगा। और इसके बाद देखिए जो आपका खंड स और खंड द है उसमें जो है आपके विकल्प रहेंगे यानी कि 2 में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। खंड स में जो है आपसे 3 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी ऑप्शन रहेंगे, 2 में से आपको एक करना होगा। और खंड द में जो है आपसे जो है निबंधात्मक यानी कि 4 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें भी जो है आपके पास ऑप्शन रहेंगे। इसके बाद देखिए, अब हम आपको पार्ट वाइज बताएं तो देखिए आपका जो पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसमें से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद है आपका अम्ल सारक एवं लवण, इसमें से जो है आपके 7 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसके बाद है धातु और यौगिक, इसमें से आपके जो है 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद है कार्बन एवं उसके यौगिक, तो इसमें से आपके 7 नंबर के क्वेश्चन जो है आएंगे। और इसके बाद है आपका जैव प्रक्रम, तो इसमें से आपके जो है 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद है आपका नियंत्रण एवं समन्वय, तो इसमें से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अगला है आपका जीवों में प्रजनन, इसमें से जो है आपके 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और अगला है आपका आनुवांशिकता, इसमें से जो है आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है आपका प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इसमें से जो है आपके 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और अगला है आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, तो इसमें से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अगला है आपका विद्युत, तो विद्युत में से आपके 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और अगला है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो इसमें से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और लास्ट है आपका हमारा पर्यावरण, इसमें से भी आपके जो है 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो अब देखिए हम जो है आपके पार्ट वाइज जो है क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका जो पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें से देखिए एक तो आपका एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक आपका इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह से 6 नंबर के 3 क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसने दिया है कि इस पार्ट से एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, तो जरूर ही जो है आपके बोर्ड पेपर है उसमें भी आपसे इस पार्ट से एक एमसीक्यू ही आपसे पूछा जाएगा। और यानी कि जिसमें एमसीक्यू नहीं पूछे गए उसमें से एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा, जो यहाँ पर बता रखा है सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में जो है आएंगे। अब दूसरा पार्ट है आपका अम्ल सारक एवं लवण, इसमें देखिए एक तो आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा और एक आपसे खाली स्थान यानी कि रिक्त स्थान का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपसे एक नंबर का पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपसे 4 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें एक तो रहेगा आपका 3 नंबर का और एक रहेगा 1 नंबर का। इस तरह से जो है आपसे 4 क्वेश्चन 7 नंबर के इस पार्ट में से आपसे पूछे जाएंगे। अगला है आपका धातु और यौगिक, इसमें से देखिए एक तो आपका एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक आपका खालिस्तान का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो इस तरह से जो है 5 नंबर के 4 क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाएंगे। देखिए अगला है आपका कार्बन एवं उसके यौगिक, इसमें से
एक क्वेश्चन तो एमसीक्यू का पूछा जाएगा और दो क्वेश्चन जो है एक एक नंबर के पूछे जाएंगे और दो क्वेश्चन जो है दो दो नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। इस तरह से जो है आपके 7 नंबर के 5 क्वेश्चन आपसे इस पार्ट में पूछे जाएंगे। अगला है आपका जैव प्रक्रम, तो इसमें जो कि एक क्वेश्चन तो आपका एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आपका एक नंबर का पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपका दो नंबर का और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का। तो इस तरह से 8 नंबर के 4 क्वेश्चन आपके इस जैव प्रक्रम में से पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला है नियंत्रण एवं समन्वय, तो इसमें से देखिए दो तो आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन एक नंबर का पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह से जो है 6 नंबर के 4 क्वेश्चन आपसे इस पार्ट में से पूछे जाएंगे। अगला है आपका जीवों में प्रजनन, तो इसमें से देखिए एक तो आपका एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक रिक्त स्थान आपसे पूछा जाएगा और एक नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और दो नंबर के दो क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। इस तरह से 7 नंबर के 5 क्वेश्चन आपसे इस पार्ट में पूछे जाएंगे। अगला है आपका आनुवांशिकता, तो इसमें देखिए एक तो आपका एमसीक्यू पूछा जाएगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि इसमें से 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला है आपका प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इसमें आपसे एक तो एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक रिक्त स्थान का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक और जो है दो क्वेश्चन एक एक नंबर के आपसे पूछे जाएंगे और दो क्वेश्चन जो है दो दो नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। इस तरह से जो है 6 क्वेश्चन 8 नंबर के आपके इस पार्ट में से जो है पूछे जाएंगे। अगला है आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसमें देखिए एक तो आपका एमसीक्यू पूछा जाएगा और एक आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें एक तो 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और एक एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आपसे इसमें से पूछे जाएंगे। अगला है आपका विद्युत, तो विद्युत में देखिए दो तो आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, एक आपसे खाली स्थान का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक जो है आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह से जो है 7 नंबर के 4 क्वेश्चन आपसे इस पार्ट में से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो इसमें से देखिए एक तो आपका एमसीक्यू पूछा जाएगा और दो क्वेश्चन जो है आपसे दो दो नंबर के पूछे जाएंगे और जो है एक क्वेश्चन आपसे एक नंबर का पूछा जाएगा। इस तरह से जो है 6 नंबर के 4 क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाएंगे। अगला लास्ट है आपका हमारा पर्यावरण, इसमें देखिए एक तो आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक आपसे खाली स्थान पूछा जाएगा और एक जो है एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक दो नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह से 5 नंबर के 4 क्वेश्चन आपसे इसमें जो है पूछे जाएंगे। इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों आपके जो पेपर है उसमें कुल प्रश्न तो 22 रहेंगे, लेकिन 22 के अंदर सारे क्वेश्चन मिलाकर जो है 51 क्वेश्चन आपके रहेंगे और कुल नंबर जो है आपके 80 नंबर का ये पेपर रहेगा। तो देखिए इसी पैटर्न पर जो है आपको तैयारी करनी है और इसी पैटर्न पर जो है आपका पेपर रहेगा, यानी कि जिस पार्ट में से एमसीक्यू पूछा गया तो उसमें से एमसीक्यू जरूर पूछा जाएगा और जिसमें एमसीक्यू नहीं है तो उससे एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। और प्रिय विद्यार्थियों अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आपने अभी तक हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस साल जो है आपको 10th क्लास की जो है स्पेशली आपको तैयारी जो है करवाने वाले हैं।